कुरला कैंप के प्रति महानगर पालिका उदासीन व लापरवाह है, क्योंकि इस मुख्य मार्ग का एक हिस्सा पिछले एक साल से जमीन में धस चुका है। यहां कभी भी दुर्घटना हो सकती है। आइए तो देखते हैं पूरी रिपोर्ट। शहर में यदि करोड़ों रुपए का विकास कार्य किया जाता है तो कई विभिन्न पक्ष जो है इसका श्रेय लेने पहुंच जाते हैं, लेकिन शहर में कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि मूलभूत सुविधाएं और किसी भी वक्त जो है बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है, लेकिन उसके दुरुस्ती को लेकर या फिर उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई भी सामने नहीं आता। ऐसा ही एक जो है नज़ारा हम आपको लासगर कैंप क्रमांक 5 के कुरला कैंप परिसर का बताएंगे। ये पिछले साल आप देख सकते हैं कि गणपति के समय में जो है यहाँ पर जो कलवट थी ये पूरी धस चुकी थी, उसके बाद इस रास्ते को बंद किया गया था, इसको जो है दुरुस्त करने की बात की गई थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि लगभग कई महीने बीत जाने के बाद भी जो है अब तक यहाँ पर जो है इसे दुरुस्त करने का काम नहीं किया गया। और बरसात के समय में जिस तरीके से जो कि घटना हो सकती है उसको रोकने के लिए जो है आसपास में बैरिकेड लगा दिए गए और एक बार फिर से जो है एक रास्ते को बंद कर दिया गया है। बहरहाल अब सोचने वाली बात यह है कि अगर ये इतना ही धोखादायक या फिर इतना ही घातक है तो फिर इसे जल्द से जल्द दुरुस्त क्यों नहीं किया जाता। रास्ते को बंद कर देने से या फिर बैरिकेड लगा देने से क्या ये दुर्घटना कभी नहीं हो सकती, क्योंकि कई लोग जो है रोज़ाना यहाँ से आना जाना करते हैं, लेकिन इसके बाद भी जो है कहीं पे भी ये नज़र नहीं आता कि इसको दुरुस्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। वहीं पे शहर में जो है राजनीति ये देखने को मिलती है कि करोड़ों रुपए के जब विकास कार्य के फंड होते हैं तो सब श्रेय लेने पहुंच जाते हैं। तो अब देखना यह है कि प्रशासन या फिर शहर के नेता जो कि विकास की बातें करते हैं और उसकी जो है ये कहते हैं कि हमारे प्रयासों से हुआ है, तो अब ये कलवट बनकर कब तैयार होता है, या फिर कोई एक बड़ा हादसा होने के बाद प्रशासन या फिर शहर के नेता जागरूक होंगे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात।